दोस्तों स्वागत है आपने YouTube चैनल गुड्डे ग्रुप में। आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि पासपोर्ट साइज का फ़ोटो कैसे बनाएं। बिल्कुल सही सुना आपने, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपने मोबाइल में कैसे बनाएं, और ये करना काफ़ी आसान है। आपने मेरा थंबनेल देखा और थंबनेल देख के ही भी इस वीडियो को प्ले किया है, ये बिल्कुल फेक नहीं है। मैं सेम प्रोसेस करके सेम जो आपने फ़ोटो थंबनेल में देखा वैसा ही फ़ोटो इस वीडियो में बनाऊंगा, और वो मैंने जो फ़ोटो है उसको बनाया है पहले और मैं इसमें बना के दिखाऊंगा। जाहिर सी बात है कि वो मेरा फ़ोटो नहीं है, वो मेरे लिए रिलेटिव का फ़ोटो है, एक जान पहचान है उनका फ़ोटो है। उनके साथ एक प्रॉब्लम आई थी कि वो उनके पास टाइम कम था और उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो जाके किसी फ़ोटोग्राफ़र के पास अपना फ़ोटो क्लिक कराएं, फिर वहाँ पे फ़ोटो एडिटिंग करें, और वो दो तीन दिन का टाइम ले कि मैं इतने फ़ोटो बना के दूंगा, ये करें वो करूँगा, ठीक। और पहली बात ये था कि कोई नज़दीकी में कोई शॉप नहीं था, फ़ोटोग्राफ़र कोई शॉप नहीं था कि वहाँ से जाके वो फ़ोटो क्लिक करा सकें। मैंने खुद उनको बताया कि ऐसा करें काम कि मैं अपने मोबाइल से खुद ही फ़ोटो क्लिक करता हूँ और आपकी जो भी एडिटिंग काम है मैं खुद करता हूँ, और जाकर यदि आपको फ़ोटो का हार्ड कॉपी चाहिए आपको फ़ोटो का तो आप किसी शॉप से जाकर निकलवा लीजिए, वरना हार्ड कॉपी ले लीजिए, मंगा लीजिए और उसको अपने ही प्रिंटर से निकाल लीजिए। किसी फॉर्म में ऑनलाइन तरीके से डालना था, मैंने जो एडिटिंग फ़ोटो किया उसी को PDF बना के उन्होंने वहाँ पर लगा दिया और मात्र 0 रुपये में उनका सारा काम हो गया, जहाँ तक कि वो किसी शॉप पर नहीं गए, ना ही किसी को पैसा दिए, जहाँ तक उनको टाइम भी बचा, उनका पैसा भी बचा और उनका काफ़ी दिन का जो ट्रेवल था और जल्दी जल्दी काम भी हो गया। काफ़ी सारे फ़ायदा हुए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का। मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस चीज़ को आप सबके साथ शेयर किया जाए। मैं अभी आपको सबको एडिटिंग करके बताऊंगा और फुल वीडियो में सारा प्रोसेस बताऊंगा, और इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी। काफ़ी लंबी क्या, मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट से पहले इस वीडियो को अंत किया जाए। विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पर सारी चीज़ें सीखते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक फ़ोटो क्लिक करना पड़ेगा, जिस भी बंदे का आपको फ़ोटो एडिटिंग करना है, निकलवाना है, उसको एक फोटो क्लिक करनी होगी। तो सही तरीके से आप फोटो क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद आप क्रॉप कर लीजिएगा, जैसे कि ये मेरा क्रॉप हुआ हुआ है, ठीक। तो इसको क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप करने के बाद सबसे पहला काम है जो ब्राउजर में जाइएगा, अपने ब्राउजर में जाके सर्च करिएगा BG, ठीक ना, BG रिमूव। जैसे BG रिमूव आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो पहले नंबर पर है, BG रिमूव BG। इसको वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से आप अपलोड दिस इमेज पे जाइएगा और जो फ़ोटो को एडिटिंग करनी है वहाँ पे इसको उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। वो फ़ोटो कहाँ गया मैं अभी ढूंढ लेता हूँ उसको, ये रहा फ़ोटो, ठीक। तो अपलोड करने के बाद ओरिजिनल एंड रिमूव बैकग्राउंड करके आएगा, ठीक। इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने से पहले आप जो एडिटिंग दिख रहा है ग्रीन कलर के आइकन वहाँ पर एरोस हो रहा है वहाँ पर क्लिक करिएगा, और एडिटिंग अभी तो डाउनलोड होने लगा। एडिटिंग करने के बाद आप नीचे काफ़ी सारा इंटरफेस आ जाएगा, जो आप जिस कलर का बैकग्राउंड लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। तो फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसा होता है, ब्लू होता है, ऐसा लेते हैं, ठीक। ये भी ठीक है, ये इसको ले लेते हैं, ठीक। ये ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड होने के बाद ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है करना, डाउनलोड हो जाएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक ना। इस प्रकार का फ़ोटो हो गया आपका, ठीक। अब रह गई बात इसको एडिटिंग करने के लिए, तो एडिटिंग करने के लिए चलते हैं, हम इसको एडिटिंग करते हैं। दोस्तों हमारा फ़ोटो क्लिक कर लिए, हमारा बैकग्राउंड रिमूव कर लिए, और बात आ गई अब एडिटिंग कैसे करें। तो एडिटिंग करने के लिए अपने एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है स्नैपसीड, ठीक। स्नैपसीड है ऐप है जो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जल्दी से जाइए इंस्टॉल कर लीजिए, मेरे पास इंस्टॉल है। तो चलते आगे के प्रोसेस में बताता हूँ आपको मोबाइल स्क्रीन पर। जैसे कि आप स्नैपसीड ओपन कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक, ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक। तो आप टैप टू एनी वेयर टू ओपन दिस फोटो, ठीक। तो इसको आप क्लिक करिएगा, जो फ़ोटो आपको सेलेक्ट कर एडिटिंग करना है उसको ले लीजिएगा, ठीक। फिर ऐसा आपको सेटिंग आएगा, ठीक ना, तो आपको स्मूथ कर लीजिएगा, अभी देखते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कोई क्लियर स्मूथ मत करिएगा, आप करंट में छोड़ दीजिएगा। फिर इसको राइट पे क्लिक करिएगा, आपको एडिटिंग अपने हिसाब से करना है, ठीक ना। तो टूल्स पे जाइएगा, जो बीच में है टूल्स में जाइएगा। टूल्स में जाने के बाद आपका जो सबसे पहला काम है वहाँ पे जो है ये SEL सिलेक्टिव, ठीक ना, सिलेक्टिव पे जाके और वहाँ पे आप जो प्लस का आइकन दिखा रहा है वहाँ पर क्लिक करें, फिर इसको इधर रखें, प्लस पे क्लिक करेंगे ग्रीन हो जाएगा, सॉरी ग्रीन नहीं ब्लू हो जाएगा। और ब्लू होने के बाद आप यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करें, ठीक। उसके बाद से थोड़ा ऐसे जूम करें, दोनों हाथ से घीचेंगे ना तो ऐसा इंटरफेस होगा, ठीक। तो ये जितना रेट हो जाएगा उतना आपकी फ़ोटो एडिटिंग होगी, ठीक। तो इसको आप जैसा मन कर चाहें उसको रख लीजिए।
करेंगे, क्लिक करने के बाद जो कॉपी दिया है मैं कट के बाद कॉपी, इसको कॉपी करके सेम प्रोसेस इधर भी पोस्ट कर लेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। ठीक, अब जो रह गई हैं बातें इसको थोड़ा कम कर लेंगे ताकि वो साइड से जो पता चल रहा है वो ना चले। अब रह गए ये बातें सल्ट की, तो फिर से वहाँ पे जो प्लस है उसको क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो करने के बाद सल्ट क्लिक करेंगे और सल्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सल्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप इसको थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, आप अपने हिसाब से कर लेंगे जिसको, मतलब इसका कोई रूल नहीं है ठीक ना, कैसे ऐसे करना है आपको, इसमें जैसे अच्छा लगा ऊपर सर ऊपर नीचे डाउन करके और कर लीजिएगा। ठीक, सो ये रहा, ये इसमें हो गया, इसको कॉपी कर लेंगे, सेम चीज़ को कॉपी करेंगे। सो ये इतना तो हो गया। अब रही बात फेस की, तो फेस पे भी कुछ एडिटिंग कर लेंगे हम लोग। ठीक, फेस पे एडिटिंग करेंगे तो ये गोरा हो जाएगा। ठीक जी, ऐसे ठीक प्लस पे क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस गले में आके गले पे कर लेंगे। ठीक तरीके से आप काफ़ी एडवांस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, और काफ़ी मज़ेदार है, मज़ेदार के साथ साथ आसान भी है। ठीक है, उसमें आपकी फोटो काफ़ी रेडी हो चुकी है। ठीक, और यहाँ बाल पे जाएंगे, बाल पे क्लिक करेंगे एक बार और बाल को भी सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा ब्लैक ब्लैक कर देंगे तो ठीक रहेगा, इतना भी ब्लैक नहीं हो। ठीक, तो आप अभी यहाँ पे कुछ एडिटिंग तो हो चुकी है। सो यहाँ पे आप राइट वाले सो आप यहाँ पे जो कॉर्नर पे दिया राइट वाला, उसको क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने जी आपकी फोटो है, फोटो जो है इस प्रकार एडिटिंग हो चुकी है। ठीक, तो मैं आपको बता दूँ, देखिए ये जो पहले एडिटिंग थी इसका ये था। ठीक, और एडिटिंग के बाद जो है ऐसा हुआ है। ठीक, तो अभी तो बहुत सारा अंतर है। ठीक, फिर यहाँ ब्रश पे जाएंगे, ब्रश पे जाने के बाद आपको जो जो आपको जो जो ओट है उसको थोड़ा चेंज करूँगा मैं। तो इसको जाएंगे वहाँ पे और थोड़ा इसको रेड करेंगे। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करेंगे ताकि हमें फ़ोटो जो लगे स्मार्ट लगे। ठीक, सो यहाँ पे फोटो हो चुकी है ये ऐसी। फिर आप जाएंगे जो स्टोरेशन है वहाँ पे जाएंगे आप डुबेंग ब्रॉन्ज पे। ब्रॉन्ज पे जाने के बाद आप जहाँ जहाँ आपको ब्लैक दिख रहा है आप वहाँ वहाँ उसको राइट करेंगे, तो इससे काफ़ी बुरा होता है चेहरा। ठीक है, और यहाँ सॉल्ट पे आप बना दीजिएगा जिससे आपको अच्छा लगे। ठीक, सॉल्ट पे काफ़ी स्मूथ तरीका आएगा बनाने में। एक तरफा है मेरा एक। सो हमारी फ़ोटो तो काफ़ी हद तक की एडिटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और रह गई बात, तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी बहुत सारी सेटिंग हैं जो कि हम नहीं कर पाते हैं, और इसको अगर करें तो काफ़ी एडवांस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, सो इससे आपकी जो फ़ोटो है बहुत ही स्मूथ दिखेगी। और इतने काले आदमी को हमने बहुत बुरा बना दिया। ठीक, और इसको फ्रेम में रखना चाहते हैं तो फ्रेम में रख सकते हैं, लेकिन अब पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए तो फ्रेम में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, और ये रह गया आपका और कुछ चीज़ें। और देखिए आपका फोटो टेढ़ा मेढ़ा हो गया अगर, तो आप यहाँ से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक ना, इधर कर सकते हैं, फिर इधर आ गया, फिर आपको कोई चीज़ को ऐसे बड़ा घटा सकते हैं। ठीक ना, आप फोटो भी टेढ़ा मेढ़ा खींचे ना तो स्मार्ट तरीके से रिमूव कर देता है। ठीक, और इसमें काफ़ी एडवांस तरीके से सब कुछ मैनेज है यहाँ पे, आपको आप जैसे चाहें इसको मैनेज करें। बहुत सारी सेटिंग है इसमें और बहुत ही अच्छा ऐप है ये, बहुत ही कमाल का ऐप है। ठीक ना, तो अभी तो फिलहाल इतना ही है। ठीक, इसको आप सेव करने के लिए ओपन पे जाएंगे, जो रेड कलर का आइकन है ओपन पे जाके, नहीं ओपन पे नहीं जाएंगे सॉरी, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाके यहाँ पे सेव कर देंगे। तो इस प्रकार सेव हो जाएगा, और सेव में आपको बताता हूँ कि सेव ये कहाँ हुआ है। ठीक, ये देखिए, ये मेरा अभी एडिटिंग किया है फोटो, और एक वो जो कुछ दिन बाद किया था। ठीक, उससे तो काफ़ी अच्छा है ना आज का फोटो, आज का फोटो ये है और जो मैं वो दिखाया था फोटो ये है। सो ये बहुत ही एडवांस हो गया ना, आज का फोटो बहुत ही अच्छा है। और मैं भी अपना फोटो एडिटिंग किया था, देखिए मेरा भी इमरजेंसी फ़ोटो मांगा गया था, तो मैं भी अपना एडिटिंग किया था कुछ इस प्रकार फ़ोटो, एकदम खतरनाक लाजवाब फ़ोटो एडिटिंग किया था। और ये मेरी प्रीवियस फ़ोटो थी, इसको मैंने, ये काफ़ी सारा क्लियर आया। ठीक ना, तो इसका भी मैंने बहुत, अभी मैंने ज़्यादा एडिटिंग नहीं किया है लेकिन कमाल का एडिटिंग हुई है। ठीक, सो दोस्तों कैसी रही वीडियो, कैसा रहा मेरा फ़ोटो एडिटिंग किया, और आपने जो फ़ोटो एडिटिंग किया उसमें क्या प्रॉब्लम है, और मुझे इस वीडियो में क्या अधिक सुधार करना चाहिए कि, और इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा मिला, वो सारी चीज़ें आपको जो भी कुछ लगा इस वीडियो को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी राय। जो भी लोग देखेंगे, प्लीज़ 10 लोग ही देखेंगे लेकिन 10 लोग आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ बताएंगे। ये आपको आपकी आदत नहीं है कि आप वीडियो देखते हैं कुछ लिखते नहीं हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा करें अपनी राय, बताते करें। आप जानते नहीं कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, मुझे खुद इंटरफेस करना पड़ता है, और आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा उम्मीद बन जाता है, बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसमें ये नहीं बताना है कैसा कैसा है, ये सब तो बताइएगा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, अपने विलेज का नाम ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो को कितने लोग कहाँ कहाँ से लोग देखें और इसको कितनी मदद मिली है। सो प्लीज़ आप जरूर बताइएगा कि वीडियो कहाँ कहाँ तक गई है। जो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही जोशो उमंग के साथ, तब तक के लिए देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल गुड्डे ग्रुप को। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।